मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर नए सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता के पदभार ग्रहण करने पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने नवागत सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता एवं सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर एल तिवारी का फूल मालाएं पहनाकर अभिपूर्त स्वागत किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार ने सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर एल तिवारी के कार्यकाल को याद करते हुए उनकी अगली पारी और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि स्टाफ ना बोलें इनको, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि हम जो 24 घंटे व्यतीत करते हैं उसमें से वन थर्ड हम अपना सोने में या घूमने में निकाल देते हैं, फिर उसका जो एक वन थर्ड हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, वन थर्ड हम अपने इस परिवार के, इस विभाग के परिवार के साथ रहते, तो इसको हम विभाग के लोग ना बोल के हम इनको अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, उसके मुखिया हम रहे, तो हमारा जो भी काम कराने का ढंग रहता था वो हमारे परिवार के सदस्यों की तरह हम उनसे बड़े थे, सबको मार्गदर्शन देते थे, सबको जो भी है समय आने पर निर्देश डालना या फिर उनको सराहना करना, ये हमारा दायित्व रहा, तो इस परंपरा से हमने कार्य किया, तो इसलिए हमारे सभी विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने सस्नेह हमारे साथ काम किया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नए सीएमएचओ साहब भी इसी तरह से पद्धति आगे। मेरी प्राथमिकता है तो ये है कि हमारे क्षेत्र की जो ग्रामीण सेवाएं हैं और हमारी शहरी सेवाएं हैं उनके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हमारे हॉस्पिटल में अभी हमने ये देखा, कई मैं भ्रमण में गया, कई हॉस्पिटल्स को मैंने मैक्सिमम 90% हॉस्पिटल को भ्रमण किया, तो कुछ माहौल ऐसा था कि एक रेफरल हो जाता था, कहीं कोई व्यवस्था में वो होती थी, तो वैसे तो हमारे क्षेत्र में छतरपुर में बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, रूरल एरिया में भी हैं और अर्बन एरिया में है, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत कमी होगी उसमें उस कमी को हम पूरा, हमारा प्रयास ये होगा कि उन कमियों को हम पूरा करें जिससे लोगों को सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सके।